सीखो से मैं सरिता शर्मा आज मैं आपके लिए सिंगल कलर का ये पैटर्न लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, ये इसका राइट साइड है और ये इसका रॉन्ग साइड। इस डिज़ाइन को आप कार्डिगन में, बेबी स्वेटर में इस डिज़ाइन को आप डाल सकते हैं। ये देखिए आप, डिज़ाइन बहुत ईजी है इस डिज़ाइन को बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिज़ाइन को बनाना। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपने फंदे लेने हैं, 3 मल्टीपल + 2 एडिशनल + 2 एज फंदे। ये देखिए, हमने एक छोटा सा बॉर्डर बना लिया। बॉर्डर बनाने के बाद राइट साइड में फर्स्ट रो बनाएंगे। ये हमारा एज फंदा है, इस फंदे को यहाँ पर मैं सीधा बना रही हूँ। इस रो में सभी फंदे हम सीधे बनाएंगे। फर्स्ट रो में सीधे फंदे बनाकर इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, फर्स्ट रो को हमने कंप्लीट कर लिया सीधा बनाकर। अब बनाएंगे रॉन्ग साइड से सेकेंड रो। रॉन्ग साइड से ये डिज़ाइन हमारा बनेगा। ये हमारा एच फंदा है, इस फंदे को मैंने यहाँ पर उल्टा बनाया। राइट साइड में ये फंदा मैंने यहाँ पर सीधा बनाया है। अब ये देखिए, दो फंदे हम एक साथ लेंगे, धागे को हम पीछे करेंगे। दो फंदे हम एक साथ लेंगे और इनको हम सीधा बनाकर दो फंदों का एक बनाएंगे। ये देखिए, और इसको हम निकाल देंगे। अब ये देखिए ऐसे करेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे और इसको निकाल देंगे। फिर दो फंदे हम फिर एक साथ लेंगे और इनको हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए ऐसे, और इनको हम निकाल देंगे। फिर एक फंदा ऐसे लेंगे और इस धागे को हमने ऐसे घुमाना है। ये देखिए ऐसे, और फंदे को बिना बुनाए हुए इस तरीके से निकाल देना हमने। फिर दो फंदे हम एक साथ लेंगे, दो फंदों का हम एक बनाएंगे, इसको निकाल देंगे। फिर ऐसे देखिए, इस तरीके से ऐसे, और धागे को हमने ऐसे घुमाना है ये, और अब इसे निकाल देंगे। फिर रिपीट करेंगे, दो फंदे लेंगे, दो फंदों का हम इसमें एक बनाएंगे, इसको निकाल देंगे। एक फंदा लेंगे, धागे को हमने इस तरीके से घुमाना है और इसे निकाल देंगे। ये देखिए, दो फंदों का एक, ऐसे धागे को घुमाएंगे, इसको निकाल देंगे। फिर दो फंदों का यहाँ पर एक बनाएंगे, ये देखिए ऐसे, और इस फंदे को धागा अपनी साइड कर और इसे उल्टा बना लेंगे। सेकेंड रो रॉन्ग साइड से हमारी कंप्लीट है। देखिए, अब बनाएंगे राइट साइड से थर्ड रो। ये हमारा एच फंदा है, इस फंदे को यहाँ पर मैं सीधा बना रही हूँ। ये देखिए, अब ये सीधा बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ से ये फंदा, इसको ये हमारा फंदा एक आगे आया हुआ है, इस फंदे को यहाँ पर हमने सीधा बनाना है। ये देखिए इस तरह, और इसको निकाल देंगे। फिर सीधा बनाएंगे। ये देखिए, जो फंदा हमने घुमाया था ये वाला फंदा आएगा, इसको हमने सीधा बनाना है और इसको निकाल देंगे। फिर दो फंदे हम यहाँ पर और सीधे बनाएंगे। ये देखिए, एक फंदा, इसको सीधा बनाएंगे और इसे निकालेंगे। फिर दो फंदे यहाँ पर हमने सीधे बनाने हैं। ये देखिए, सीधा, इसको निकालेंगे, दो फंदे हमारे यहाँ पर फिर सीधे फिर बनेंगे। ये देखिए, थर्ड रो में हमने ऐसे ही इसे बनाना है। ये देखिए, सीधा, ये सीधा, ये हमारा एच फंदा, इसे भी सीधा। इस रो में सभी फंदे हमने इस तरीके से सीधा बनाकर कंप्लीट करना। अब रॉन्ग साइड से फोर्थ रो बनाएंगे, उसमें हमने अपने डिज़ाइन को सेट करना है। ये देखिए, आपको ये डिज़ाइन पर यहाँ पर होल दिखाई देगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तो स्टार्टिंग वाला जो होल दिखाई देगा, ये वाला फंदा जो यहाँ पर होल है, ये वाला फंदा और एक ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को दो का एक बनाना है। उससे पहले फंदे पर हमने धागा घुमाना है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये हमारा एच फंदा है, इस फंदे को यहाँ पर मैं उल्टा बना रही हूँ। रॉन्ग साइड बना है ये हमारा। ये देखिए, एक फंदा हमने उल्टा बनाया। अब इस वाले फंदे पर, ये देखिए, यहाँ पर ये हमारा होल है, ये वाला फंदा, और ये फंदा हमने दो का एक बनाना है। तो ये वाला फंदा जो हमारा होगा, इसको हमने धागा पहले घुमाएंगे और इस फंदे को, ये देखिए, ऐसे धागा घुमाएंगे और इसे ऐसे बनाएंगे। फिर इन दोनों फंदों को हम एक साथ लेंगे और दोनों का दो का हम एक बना देंगे। ये देखिए, और इसको हम ऐसे बनाएंगे। ये देखिए, धागे को ऐसे घुमाना है और इसको निकाल देंगे। फिर ये देखिए, ये हमारा होल है, ये वाला फंदा और इसके साथ वाला फंदा, दो फंदे एक साथ लेंगे और दो का एक बनाएंगे, इसको निकाल देंगे। फिर ये एक फंदा, इसको धागे को ऐसे घुमाना है, ये ऐसे, इसको निकाल देंगे। फिर ये देखिए, ये होल है यहाँ पर, आपने ये देखना, ये वाला जो होल इसके साथ में है, तो एक फंदा ये और एक फंदा ये दोनों फंदों को आपने साथ में लेना, इनको आपने दो का एक बनाना है। ये देखिए,
और उसके बाद ये एक फंदा हमारा नॉर्मल है, इसको हमने ऐसे धागा घुमाकर इसको ऐसे बनाना, फिर ऐसे रिपीट करना। दो फंदे लेंगे, दो फंदों को दो का एक बना देंगे और इसको हमने ये देखिए फोर्थ रो को हमने कंप्लीट कर लिया। अब बनाएंगे फिफ्थ रो राइट साइड से। ये फंदे हमने सीधे ही बनाने हैं, ये देखिए किस तरीके से सीधे, ये सीधा बनाया हमने, ये जो धागा घुमाया था इस फंदे को हमने सीधा बनाना है, ये देखिए। फिर दो फंदे हमने यहाँ सीधे बनाने हैं, ये देखिए इस फंदे को आपने ऐसे सीधा बनाना, ये देखिए ऐसे। और ये फंदे सीधा बनाने के बाद आपके ये ऐसे दो फंदे आएंगे, इनको भी आपने सीधा बनाना है, ये देखिए। ये हमारी फिफ्थ रो है, इस रो को भी हम सीधा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे, ये देखिए। बस आपने ये वाला जो फंदा इस पर ध्यान देना है, ये वाला फंदा इसको आपने सीधा बनाना है और इसे निकालना है, फिर दो फंदे आपके नॉर्मल ऐसे ही सीधे बनेंगे। इस रो को भी हम कंप्लीट कर लेंगे, देखिए फिफ्थ रो को हमने कंप्लीट कर लिया। अब बनाएंगे सिक्स्थ रो। सिक्स्थ रो सेम ऐसे बनेगी जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी। तो ये देखिए फर्स्ट रो हमने कैसे बनाई थी, ये हमारा एच फंदा, इसे मैंने यहाँ पर उल्टा बनाया क्योंकि रॉन्ग साइड से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। तो ये देखिए आपने ये होल पर ध्यान देना, ये देखिए यहाँ पर ही हमारा होल है, उससे पहले ये वाला फंदा और ये वाला फंदा। अब हमने दो फंदों का एक बनाना है, धागे को हम घुमा लेंगे और दो फंदे हम ये देखिए इस तरीके से इसको दो का एक बना लेंगे और इसे निकाल देंगे। अगर यहाँ पर हमारा फंदा एक और एक्स्ट्रा होता तो यहाँ पर हमने धागे को घुमाना था, तो यहाँ पर हमारा होल था जो हमने ये करा। अब ये देखिए इसको हमने धागे को इस तरीके से घुमाना और इसे निकाल देंगे। फिर अब ये देखिए यहाँ पर ये होल है, ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों को हमने दो का एक बनाना है। जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी सेम ऐसे ही आपने इसको बनाना है और तब आप डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। बस आपने इस होल को देखना कि ये वाला हमारा जो है, देखिए ये वाला है तो ये फंदा और ये फंदा दो का एक होएगा। उससे पहले हमने धागे को घुमाकर ऐसे ही निकालना है, ऐसे ही बनाते चले जाएंगे तो आपका फ्रेंड्स ये डिज़ाइन बन जाएगा। ये देखिए, ये देखिए और बड़े में आप ये डिज़ाइन देखिए, बहुत ईजी डिज़ाइन है, छोटा छोटा और बहुत सुंदर लगेगा। बेबी स्वेटर पर तो ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।